फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। आज हम लोग संस्कृत टीजीटी के लिए कुछ प्रश्न देखेंगे। और ये जो जो लोग टीजीटी में फॉर्म भर रहे हैं संस्कृत का, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये वीडियो आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही अमूल्य है। ध्वनि विज्ञान की विवेचना प्रस्तुत करने वाला जो वेदांग है वह है शिक्षा। फ्रेंड्स, इसमें निशान लगे हुए हैं, लेकिन निशान तो मायने नहीं रखता। आप एक एक प्रश्न अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जाना पहचाना प्रश्न होगा और आपके लिए आगे बहुत ही उपयोगी होगा। आ का उच्चारण स्थान है कंठ। आ का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है, यानी आ और कवर्ग के पूरे अक्षर और हा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं, जो अनुनासिक वर्ण वर्णों को के उच्चारण में जो सहायक होते हैं वह है मुख और नासिका। महाप्राणीकरण का उदाहरण है वाष्प और भाप। दंत्य वर्ण है दा। दंत्य वर्ण कौन से हैं इसमें से? इसमें बहुत दिए गए हैं, घा है, बा है और झा है। एक बार आप बोल के भी समझ सकते हैं कि दा वर्ण कहाँ बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। तो दा बोलिए, फिर उसको देखिए कि दंत से बोला जाता है वह। ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है, जो ध्वनियों के उच्चारण में सर्वाधिक उपयोगी है इसमें तो दंत, नासिका, ओष्ठ सब दिए गए हैं, लेकिन ये जिह्वा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। किसके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर निकलती है? तो स्वर के। स्वर का जो उच्चारण है वह गद बहुत, जैसे आ का बोलेंगे तो धीरे से बोला जाएगा। जैसे का बोलिए तो उसमें बहुत तेज गति से नहीं बाहर निकलता है, लेकिन जब आ बोलेंगे तो बहुत तेज से स्वर निकलता है। भारतीय जाया भावज में ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है? जो भारतीय जाया भावज में ध्वनि परिवर्तन का नियम है वह है स्वर व्यंजन लोप। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है भंडारगार। भंडार जिसमें ध्वनि परिवर्तन का कौन सा नियम है वह है स्वर व्यंजन लोप। समुद्र समुंदर इसमें कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम है? इसमें है स्वर व्यंजन नागम। पूर्व और पूरब में कौन सा ध्वनि परिवर्तन का नियम है? तो आगम का है। इसमें कौन सा नियम है? आगम का नियम। जब आप ध्वनि परिवर्तन को पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वाह्य परिवर्तन विवार का क्या अर्थ है? नेक्स्ट प्रश्न है वाह्य प्रयत्न विवार का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, आपको विवार, संवार, नाद, घोष ये सब पढ़ना है, और ये वाह्य प्रयत्न और अभ्यांतर प्रयत्न, ये प्रयत्न भी आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वाह्य प्रयत्न और अभ्यांतर प्रयत्न दोनों के वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, और स्किप वाइज सब कुछ आप पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल नहीं करिएगा। वाह्य प्रयत्न विवार का क्या अर्थ है? तो खुलना है। जो ये वाह्य प्रयत्न विवार का अर्थ होता है वह है खुलना। थोड़ी वायु का जिसमें प्रयोग हो वह प्रयत्न क्या है? वह है संवार। संवार थोड़ी वायु यानी थोड़ा खुलता है उसको संवार कहते हैं, और जिसमें वायु का अधिक प्रयोग होता है वह वाह्य प्रयत्न क्या है? जिसमें वायु का अधिक प्रयोग होता है वह वायु प्रयत्न क्या है? वह महाप्राण है। महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, और शा 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 हा होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण भी हम पढ़ाएंगे, और कुछ वीडियो पड़े हुए हैं उसको आप देख सकते हैं। ऊपर उठे हुए स्वर को क्या कहते हैं? ऊपर जो उठे हुए स्वर हैं उसे उदात्त कहते हैं। नीचे गिरे हुए स्वर को क्या कहते हैं? उसे अनुदात्त कहते हैं। ऊपर उठे हुए स्वर को उदात्त कहते हैं और नीचे गिरे हुए स्वर को अनुदात्त कहते हैं। उदात्त अनुदात्त, ऊपर उठे और नीचे गिरे, ठीक है फ्रेंड्स।
आप इसको एकदम बिल्कुल ट्रिक द्वारा भी समझ सकते हैं। ऊपर जो उठे हुए उदात और जो नीचे गिरे हुए उसे अनुदात कहते हैं। निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है? घोष वर्ण है झा। निम्नलिखित में किसका बाह्य प्रयत महाप्राण है? तो खा, यानी दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण ये महाप्राण होता है। अभी हमने आपको बताया तो ये चौथा वर्ण है घा और ये महाप्राण है। घा कौन सी ध्वनि है? तो ये कंठ ध्वनि है। का खा गा घा अंगा ये सब कंठ ध्वनि है। चा का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान का वीडियो पड़ा हुआ है, आप जरूर देखिए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे वीडियो इसमें समय समय पर पढ़ते हैं। चा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है, इचुअशना तालु। पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, उपुधमा नाम ओष्ठ है। टवर के बड़ों का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है मूर्धा। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो है ओष्ठ। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ई का जो उच्चारण स्थान है इचुएशाना तालु, तालु। ई का उच्चारण स्थान तालु है। तवर के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? वह है दंत। तवर के वर्णों का जो उच्चारण स्थान है, एक बार आप बोल के भी दे, अगर आपको नहीं आती है, कोई भी उच्चारण स्थान नहीं पता है, तो आप एक बार बोल के उस शब्द को देखिए कि कहाँ से बोले जा रहे हैं। उसमें दंत काम कर रहा है कि या फिर होठ काम कर रहा है, या फिर आपके जिह्वा काम कर रहा है, या फिर कंठ काम कर रहा है, तो आपको पता चल गया। ता, अब बोलिए ता था दा धा ना, कौन सा शब्द है? ता था दा यानी दंत। इसमें दंत यानी कि दांत आपको लगाना पड़ रहा है, तभी जाके आप तवर्ग के जो वर्ण हैं उसको आप बोल पा रहे हैं। तो आप तवर्ग के जो वर्ण हैं वो दंत से बोले जाते हैं। वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? वह वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। वा, एक बार बोल के देखिए, वा, तो दंतोष्ठ। स्पर्श वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? वह है स्पृष्ट। स्पर्श वर्णों का जो अभ्यांतर प्रयत्न है वह है स्पृष्ट। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कवर की ध्वनि वर्ग क्या है? वह है स्पर्श। निम्नलिखित में से संघर्षी ध्वनि वर्ग किसका है? वह है शा का। संस्कृत में शा कौन सी ध्वनि कहलाती है? तो ऊष्म ध्वनि कहलाती है। ये ऊष्म ध्वनि कहलाती है और महाप्राण भी होती है। संस्कृत में अंतस्थ वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ वर्ण चार हैं, या वा राला, यह अंतस्थ वर्ण है और यह इनकी संख्या है चार। संस्कृत में रा किस ध्वनि वर्ग में आता है? रा या वा रा ला, ये अंतस्थ वर्ण के अंदर आता है। तो इसमें वही पूछा गया है कि रा किस ध्वनि वर्ग के अंतर्गत आता है, तो वह अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आता है। संस्कृत में अनुस्वार का ध्वनि वर्ग क्या है? वह है अयोगवा। अनुस्वार का जो ध्वनि वर्ग क्या है वह है अयोगवा। अयोगवा चार प्रकार के होते हैं, उसमें से अनुस्वार भी है जो अयोगवा है। विसर्ग किसके बाद प्रयुक्त होता है? तो सामान्य स्वर के बाद विसर्ग प्रयुक्त होता है। अंतस्थ का दूसरा नाम क्या है? तो अर्धस्वर। अंतस्थ को हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, तो अर्धस्वर कहते हैं। अंतस्थ का जो दूसरा नाम है वह है अर्धस्वर। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, आप पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर करिएगा। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों का वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ है? वह है पांच वर्गों में हुआ है। पाणिनीय जो शिक्षा है ध्वनियों का जो वर्गीकरण है वह है पाँच वर्गों में हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रोमन लिपि क्या है? तो रोमन लिपि जो है वह है ध्वनि लिपि। अरबी लिपि किस लिपि से उद्भूत मानी जाती है? तो वह है शामी लिपि से। यूरोपीय लिपियां किसकी रूपांतर हैं? तो वह ग्रीक लिपि की हैं।
अरबी लिपि किस लिपि से अद्भुत मानी जाती है? तो वह सियामी लिपि से। और यूरोपीय लिपियाँ किसकी रूपांतर हैं? वह है ग्रीक लिपि से। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से विकसित हुई है? वह उत्तरी शैली से। प्राचीन नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की किस शैली से विकसित हुई है? तो उत्तरी। फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है जानना कि किस लिपि से जो ब्राह्मी लिपि विकसित हुई वह किस लिपि से हुई है? वह उत्तरी से हुई है, उत्तरी शैली से हुई है। इसमें किन तीनों की अल्पप्राण संज्ञा है? अब इसमें अल्पप्राण पहला और तीसरा और पंचम वर्ण होता है, तो आप इसमें इसे देखिए कौन सा पहला और तीसरा और पंचम वर्ण है जो अल्पप्राण है। तो इसमें तो निशान लगे हुए हैं, आप इसको निशान लगे हुए को सही मानिए, लेकिन फिर भी आगे भी सबको देख लीजिए कि इसमें दूसरा वर्ण होगा तो वह अल्पप्राण नहीं होगा, क्योंकि पहला और तीसरा और पंचम वर्ण और या रा ला वा ये सब अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। इसमें से दंत्य वर्ण कौन है? सा है। दंत्य वर्ण बोल के भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ण दंत्य वर्ण है, तो ये छोटा सा जिसको बोलते हैं वो दंत्य वर्ण है। इनमें से मूर्धन्य कौन सा है? तो ये पटकिरवा सा जो है वो मूर्धन्य वर्ण है। रा की संज्ञा क्या है? तो अंतस्थ वर्ण है, इसको तो मैंने बताया ही। फिर ला की संज्ञा क्या है? यह अंतस्थ वर्ण है। या की संज्ञा क्या है? तो अंतस्थ वर्ण है। या वा रा ला ये सब अंतस्थ वर्ण है। शा की संज्ञा है ऊष्म, शा 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 हा ये सब ऊष्म वर्ण है। स्पृष्ट किन वर्णों को कहा जाता है? तो स्पर्श वर्ण को कहा जाता है। स्पृष्ट जो है स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है विवृत किसकी संज्ञा है? तो स्वर की संज्ञा है। विवृत जो है वह स्वर की संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से अघोष महाप्राण दंत्य स्पर्श ध्वनि कौन सी है? तो महाप्राण आप देखिए, महाप्राण सेकंड और फोर्थ वर्ड होते हैं, यानी दूसरा और चौथा वर्ड। तो इसमें से देखिए दूसरा और चौथा वर्ड कौन सी है? तो था, ता और था, दा धा, ठीक है, और ये था और अघोष भी होना चाहिए। तो अघोष था भी है और महाप्राण भी है। अवेस्ता से अहुर का संस्कृत प्रतिरूप क्या है? तो अशुर। अवेस्ता बवीति का संस्कृत प्रतिरूप क्या है? वह है भवति। संस्कृत भरंति का अवेस्था क्या रूप क्या है? तो वह है वर इंती। संस्कृत का अवेस्था प्रतिरूप क्या है? वह है खा। संस्कृत ऋतु का अवेस्था रूप क्या है? वह है खतुस। इन प्राचीन लिपियों में वर्णमाला रहित लिपि कौन है? तो वह है चीनी लिपि, जिसमें वर्णमाला जो वर्णमाला रहित है। इन प्राचीन लिपियों में कौन सी वर्णमाला युक्त लिपि है? वह है अरबी। मक्का मदीना में विकसित अरबी लिपि का क्या नाम है? वह है नस्खी लिपि। एक बार और देख लेते हैं, मक्का मदीना में विकसित जो अरबी लिपि का नाम है वह है नस्खी। अरबी लिपि में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 28। कितने अक्षर होते हैं? 28। उर्दू की लिपि क्या है? तो उर्दू की जो लिपि है वह है अरबी। और ग्रीक लिपि में कितने अक्षर होते हैं? वह 24 अक्षर होते हैं। ग्रीक लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो 24 अक्षर होते हैं। फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि संस्कृत की लिपि कौन सी है? आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओ कौन सा स्वर है? तो ओ जो स्वर है वह है समृद्ध स्वर है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि से विकसित सरदा लिपि का प्रचार भारत के किन प्रांतों में हुआ? तो सरदा लिपि का जो प्रचार हुआ वह पंजाब और कश्मीर प्रांत में हुआ। आधुनिक गुरुमुखी लिपि किस लिपि से निकलती है? तो सरदा लिपि से निकलती है। प्राचीन नगरी लिपि का कि किस शैली से उड़िया लिपि का विकास हुआ? तो वह पूर्वी शैली से।
नेपाली की लिपि क्या है? तो नेमारी है। नेपाली की जो लिपि है वह है नेमारी। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक हैं विलियम जोन्स। आधुनिक भाषा विज्ञान के जो जनक हैं वह कौन से हैं? विलियम जोन्स हैं। डिंग डोंग सिद्धांत के संबंध हैं। डिंग डोंग जो सिद्धांत है उसका संबंध भाषा की उत्पत्ति से है। मानसवर या आदर्श स्वर के उद्भावक हैं डेनियल जोन्स। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार भाषाओं को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार भाषाओं को 18 वर्गों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप अगर पूरा वीडियो देखे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।